पहले आज के बिग स्टॉक्सिंग प्ले आउट करिए आज क्या क्या सिंगल आउट करा है बिग स्टॉक्स में कौन कौन आ, आज के बिग स्टॉक्स में देखिए मैं आपको बताता हूं आ, सबसे पहले तो आरती इंडस्ट्रीज आपको याद होगा ये डेजा वो की फीलिंग आ रही है मुझे सीक्वेंशियली फिर इंप्रूवमेंट सीक्वेंशियली फिर इंप्रूवमेंट सीक्वेंशियली फिर इंप्रूवमेंट और हाँ. उस एनवायरमेंट में जहां पर बाकी केमिकल कंपनियों के नंबर्स काफ़ी खराब आ रहे हैं और कल यहाँ पर कोई शॉर्ट करके गया है मेरे ख्याल से आज यहाँ बड़ी शॉर्टकवरी होगी हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन मेरे ख्याल से एक बार फिर यहाँ पर क्यू क्यू इंप्रूवमेंट है और क्यू क्यू थर्टी सिक्स परसेंट रेवे बढ़ाए ट्वेंटी परसेंट सॉरी ट्वेंटी परसेंट इनका रेवेन्यू बढ़ा है और थर्टी सिक्स परसेंट मुनाफा बढ़ाए और एबिडा पंद्रह परसेंट है ईयर ऑन ईयर नंबर्स खराब हैं ये हमको सबको पता था कि ईयर ऑन ईयर नंबर्स खराब ही रहने हैं अभी कुछ टाइम के लिए लेकिन इकलौती केमिकल कंपनी है बाकी कंपनी कं, केमिकल कंपनी को तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स भी खराब थे ना आरती के केस में एटलीस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर नंबर्स अभी भी खराब हैं इसके लिए इस पर आरती में बस एक चीज़ है ये जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है थोड़े लैक के साथ अपलोड अप, अप, करती है तो वो आज अपलोड करेंगे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन तो उसके बाद शायद एक ज़्यादा अच्छा व्यू लिया जाएगा लेकिन ये स्टॉक मेरा एक काफ़ी मतलब वेल ट्रैक स्टॉक रहा है तो इसके ऊपर मैं पॉजिटिव रहा हूँ मेरे ख्याल से आज शायद इसमें रैली आनी चाहिए अब बाकी मार्केट का भी टेक्सचर कैसा है उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है आशीष इसके लिए दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार पर है वो है जोमेटो देखिए जोमैटो में एक चीज़ है जब इन्होंने ब्लैंकेट एक्वायर किया था तो बहुत लोगों ने कहा था कि ये शायद गलत एक्विजिशन है लेकिन वही इनके लिए अब सबसे बड़ा रेस्क्यू पॉइंट बन गया है जोमेटो के लिए जू यू का एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने अपग्रेड करके इसको बाय किया लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है वो जस्टिफाई कर रहे हैं फ वाई छब्बीस के लिए फिफ्टी टाइम्स ईवी टू एबिडा जो कि प्रीमियम ओवर डीमार्ट ट्रेंड और टाइटन देखिए उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है okay. इस समय ये उगता सूरज है इसके लिए इसको हर कोई सलाम कर रहा है हम भी तो कर रहे हैं मतलब एक टाइम पे नेगेटिव थे लेकिन अब ऑब्वियसली चीजें इंप्रूव हुई हैं तो उसको आपको उस हिसाब से अप्रोच करना होगा बस एक चीज है एक दिक्कत है अब ये स्टॉक काफी भाग चुका है और वैल्यूएशन काफी हद तक फुल्ली प्राइसड है अब इस स्टॉक में अगेन अभी समय कह रहा हूं आप पचास टाइम पर जस्टिफाई करना चाहते हैं ईवी टू एबिडा आपकी मर्जी है वैसे पचास टाइम में ईवी टू बिडो देना तो आपके पास बहुत स्टॉक्स हैं देने के लिए लेकिन फिर भी खैर चार्ट इसका बहुत शानदार रहा है पिछले छः महीने का एक साल का इसमें कोई डाउट नहीं है और तीसरा स्टॉक मेरे ख्याल से जो इस शायद महीने का अब तक का स्टॉक ऑफ द मंथ रहा है एल और कई बार लग जाता है वो देखिए हमने वो रील बनाई थी नौ नौ सौ साढ़े नौ सौ पर और उसके बाद वो पीएम का इंडोसमेंट आया और अभी देखिए ये स्टॉक एक महीने में करीब करीब तैंतीस परसेंट के रिटर्न दे चुका आपको काफी है आपको नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं इसके एक चीज़ का ध्यान रखिए बस ये ये कम मार्केट कैप इसका बहुत ज़्यादा है और फ्री फ्लोट मार्केट कैप सिर्फ साढ़े तीन परसेंट है इसमें कहीं ना कहीं आगे जाके ऑब्वियसली गवर्नमेंट को अपना स्टेक और पेयर डाउन करना होगा तो वो एक आ, हमेशा एक रिस्पेक्ट रहेगा इसके साथ लेकिन अभी तो वो खैर कोई दिक्कत नहीं है अभी तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक का थोड़ा सा और चलना चाहिए शायद वो आई का प्राइस निकला था उसके बाद बातचीत हुई थी और उसके बाद से तो पलट के नहीं देखा है

की फीलिंग मतलब ऐसा लगता है कि पहले कभी हो चुका था हर्षदा जुड़ेंगे बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें